पागल हो गए हो क्या? पागल तो तुम हो गया मीरा, तुमने माँ पापा की शादी बचाने के लिए कोर्ट में छोड़ा, इस वजह से हमारा तलाक हुआ। तो तुम्हें किस बारे में बात करनी है? जब भी मैं तुमसे बात करने लगता हूँ तुम्हें कहीं ना कहीं जाना होता है, क्यों? मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। मुझे तुमसे बात करनी है, क्या कह रही थी? मानो देवी का संगीत हो रहा है, शादी तो हो रही है, लेकिन उसके बीच अबीरा और अरमान की क्या कुछ नोकझोंक हो रही है? अबीरा और अरमान की नोकझोंक ये हो रही है जहाँ पर अरमान के अंदर दिल के अंदर भी अबीरा के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई है, और अबीरा ने तो अरमान को बताया कि वो उसको प्यार करती है, तो उस वजह से ये सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है जहाँ पर शादी के फंक्शंस चल रहे हैं और अबीरा अरमान की नज़रों के सामने है। अरमान को ये ऐसा लग रहा है कि अबीरा ने बात पहले क्यों नहीं बताई उसको, क्यों उसने इतना वक्त ले लिया ये बात कहने में, और जब कहा भी तो किस टाइम पर कहा जाए, उसके हाथ में चीज़ें कुछ भी है नहीं और पूरा घर तैयार है शादी के लिए, तो उसी बीच में अरमान उससे कुछ सवाल पूछना चाह रहा है कि क्यों किया ऐसा, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। उसके सामने ये सच भी आ गया है कि अबीरा ने माँ पापा की शादी बचाने के लिए झूठ बोला था, उस वजह से डिवोर्स हुआ था। तो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जहाँ पर एक ही घर में दोनों हैं और अरमान के इधर फंक्शंस भी चल रहे हैं, वो वेडिंग प्लानर है, और उस बीच बीच में लोगों से छुप के मिलना बात करना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यस, एंड दादी साहब भी शायद हमेशा की तरह ऑब्वियसली अबीरा के अगेंस्ट ही है, और वो भी आई थिंक थोड़ा बहुत ब्रेन वॉश भी कर उसको बचपन की याद दिलवाएगी, और इस घर के बेसिकली में क्या क्या एहसान है प्यार के साथ साथ अरमान के ऊपर, वो अरमान को रियलाइज करवाएगी। तो अरमान के लिए तो सिचुएशन इस टाइम पर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो अपने प्यार को छोड़े, अपने दोस्तों चले, अपनी फैमिली को छोड़े, या खुद के फीलिंग्स एक्नॉलेज करें, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इस टाइम। लास्टली आई थिंक एक उम्मीद हो सकती जहाँ हादसा कुछ देखने को मिलने वाले ऑडियंस को, शायद दोनों के बीच बात करते वक्त ही शायद अबीरा गिरने वाली है। हाँ, वो हादसा तो आज आप आई एम श्योर जरूर कवर करेंगे, तो एक ऐसा हादसा, लेकिन बहुत ही हसीन सा हादसा है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑडियंस को वो हादसा बहुत अच्छा लगेगा आई एम श्योर। तो देखते हैं, हम करते हैं। थैंक यू सो मच।